हमें एंकर क्यों होते हैं? अक्सर देखा गया कि हम जब किसी गोल को प्राप्त करना चाहते हैं और वो गोल हमको नहीं मिलता है तो हमको फ्रस्ट्रेशन होता है और उसकी वजह से हमको एंगर होता है। एंगर का इफेक्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर थोड़ी मात्रा में एंगर करते हैं तो उससे बहुत नुकसान ही होता है, पर अगर ये एंगर हमारा बहुत दिनों तक चलता है या बहुत ज़्यादा होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव होने लगता है। एंगर को मैनेज करने के लिए बहुत आसान है, अगर हम खुद चाहते हैं कि हमारा एंगर कम हो जाए तो सबसे पहले जब भी आप एंगर की स्थिति में होते हैं अपने आप से पूछिए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। दूसरा, अगर आप गुस्सा नहीं करना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा बंद करिए और जानने की कोशिश करिए, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करिए, हो सकता है उस समय आपका गुस्सा कम हो जाए। क्योंकि जब आप अपने गुस्से को एनालाइज करेंगे तो वहीं पर गुस्सा कई बार देखा गया कम हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा हमारे पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उससे भी गुस्सा आता है, तो एंगर से पहले जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको दूर करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाइए मत, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा एक गुस्से का कारण होता है। और हमेशा जो भी परिस्थितियाँ हैं अगर उसमें आप अच्छा है पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी गुस्सा आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होगा और एग्रेशन भी कम हो जाएगा। और अगर आप चाहें गुस्सा को शांत करने के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक ग्लास ठंडा पानी पी लीजिए और उस सिचुएशन को उस पर्टिकुलर मोमेंट से उस सिचुएशन से हट जाइए। आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। अगर आपको पता है गुस्सा करने से आपका खुद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब होगा तो आप गुस्सा कभी नहीं करेंगे।